हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा का पानी रामसर पहुंचाना इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दिन। हरीश चौधरी, अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। रामसर में नर्मदा नहर परियोजना के तहत पानी पहुंचाना इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस परियोजना से क्षेत्र के आम जन के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी मीठा पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। यह बात राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने रामसर पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चौधरी ने कहा कि विकट परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व गांव एवं प्रत्येक घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए विभिन्न पेयजल परियोजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहां के रहवासियों को पेयजल का महत्व भलीभांति ज्ञात है। उन्होंने कहा कि शिव विधायक अमीन खां के बरसों प्रयासों से इस क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस योजना को निर्धारित समय पर पूरा किया जाने पर अधिकाधिक लोगों को पेयजल मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के गांव तक कैसे पेयजल पहुंचाया जाए, इसके लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बेहतरीन चिकित्सीय प्रबंधन किए गए। उन्होंने कहा कि ILI सर्वे के तहत घर घर जाकर संभावित कोविड संक्रमितों की पहचान एवं उपचार की कार्य योजना से ग्राम स्तर तक कोविड संक्रमण की रोकथाम संभव हुई। इस अवसर पर शिव विधायक अमीन खान ने नर्मदा नहर का पानी रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुंचाने के कार्य की प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पूर्व में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने की योजना थी, परंतु DNP क्षेत्र की वजह से परमिशन नहीं मिलने के कारण नर्मदा नहर से पानी पहुंचाने की योजना 213 से 214 में सेक्शन हुई। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स का इस योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा। इस दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र में लंबे समय से लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। नर्मदा नहर से पानी पहुंचने पर यहां के क्षेत्रवासियों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि पानी पहुंचाने से इस क्षेत्र के विकास को नए आयाम मिलेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को नर्मदा नहर परियोजना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात राजस्व मंत्री चौधरी, शिव विधायक अमीन खां, जिला कलेक्टर लोक बंधु समेत जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने रामसर में नर्मदा प्रोजेक्ट के पंपिंग हाउस का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नु, फतेह खान सहित जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक एवं जलदाय विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से राजस्थान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, इनका कहना है कि इंदिरा गांधी नहर के अंदर DNP ने परमिशन नहीं मिल रही थी, तो वापस उस स्कीम को परमिशन नहीं मिलने के कारण नर्मदा से नई स्कीम बनाकर और 2013-14 के अंदर शुरू की। और आज जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस ब्लॉक के अंदर पानी रामसर के अंदर हम लोग देखने आया है, ये सबसे बड़े आवश्यकता की जगह के अंदर इस पानी का आना बहुत हर्ष की। सर, कितनी बड़ा मतलब समस्या से रात मिलेगी लोग पानी की? ये तो पानी था ही नहीं, स्थानीय बिल्कुल पानी नहीं था, यहाँ सिर्फ टाटों और पारो से ही यहाँ पानी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। बहुत बड़ी राहत का कार्य होगा। अभी रामसर के अंदर आया है, आगे धीमे धीमे हर जगह कैसे पानी पहुँचे ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ के स्थानीय विधायक अमीन खान साहब लगातार इसकी पैरवी कर रहे हैं और जल्दी ये स्कीम पूरी कर दी जाएगी। सर, बाकी खंड बचे हुए गड्रा रोड से आगे या फिर ये गाड़िया से आगे जो ब्लॉक है वो पूरा पीता नहीं, गड्रा में भी इसी से आएगा। नर्मदा की जो ये स्कीम है ये लगातार 2.5 सालों के अंदर इसके ऊपर प्रगति हो रही है, गड्रा के अंदर भी होगी, 1 साल के अंदर ये तमाम जगह इस स्कीम के माध्यम से। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराना मेघावल की रिपोर्ट।